बहुत बढ़िया है, बहुत सुखद है। और हम लोग यह कहना चाहते हैं कि चंपारण की मिट्टी में जो प्यार होता है, जो मिठास होता है, देश को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी ने वहाँ शुरुआत किया था, और वही संदेश हम लोग यहाँ पे आकर के लाल चौक पे देना चाहते हैं। 70 जो धारा हटा उसके बाद पहली बार हम लोग श्रीनगर आए हुए हैं, राकेश पांडे भैया के द्वारा हम लोग चंपारण से चल के आए हैं। लाल चौक पे रात में तिरंगा के साथ, इसका मतलब भारत बदल रहा है, कश्मीर बदल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर के लाल चौक, जो ऐतिहासिक लाल चौक है उसी पर मौजूद हैं, और देख सकते हैं रात का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माहौल बदल गया है यहाँ पर। और यहाँ पर अब जो है दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं, झंडा लेकर आते हैं, और काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। जहाँ एक वक्त था जब यहाँ पर झंडा फहराना पर काफ़ी विवाद होता था, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आज वो पल बदल गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो बिहार के युवा हैं वो भी रात में आए हैं, झंडा फहरा रहे हैं, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्साह का माहौल है। कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर हम मौजूद हैं, और देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में युवा पहुँचे हुए हैं और चंपारण से आए हैं बड़ी संख्या में युवा हैं। कहाँ से आए हैं भैया? मोतिहारी पूर्वी चंपारण से मैं आया हूं, और सद्भावना यात्रा जो कि पूर्वी चंपारण से यह कश्मीर का श्रीनगर का लाल चौक है, और हम लोग यहाँ आके चौक का रात का नज़ारा कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत सुखद है। और हम लोग यह कहना चाहते हैं कि चंपारण की मिट्टी में जो प्यार होता है, जो मिठास होता है, जिसे महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी ने वहाँ शुरुआत किया था, और वही संदेश हम लोग यहाँ पे आकर के लाल चौक पे देना चाहते हैं कि जो यहाँ के कश्मीर वासियों ने जो मिठास और प्यार का हम लोगों को एहसास कराया, उसके लिए हम लोग बहुत दिल से सुन गया है। बिल्कुल बदला हुआ है, बहुत बदला है जी, बिल्कुल बदलते हुए कश्मीर को हम लोग देख रहे हैं। रात को, रात का वक्त है ऐसे में, हाँ बिल्कुल, बहुत नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, काफ़ी उत्साह है ना, बिहार वाला माहौल है। हाँ, दिल्ली वाला इंडिया गेट वाला माहौल आ रहा है, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो है बिहार के युवा पहुंचे हुए हैं, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या काफ़ी उत्साह है, हम लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग ने डर कहाँ, 370 जो धारा हटा उसके बाद पहली बार हम लोग श्रीनगर आए हुए हैं, राकेश पांडे भैया के द्वारा हम लोग चंपारण से चल के आए हुए हैं, और काफ़ी खुशी का माहौल है। देख सकते हैं बहुत सारे बंदे हम लोग आए हुए हैं, कम से कम 100+ बंदे हम लोग, और इसके लिए हम लोग भैया का शुक्रिया अदा करेंगे। और पहली बार हम लोग मतलब ये सब देख कर बहुत खुशी हो रहा है, धन्यवाद। जी जी, बहुत। तो आपने देखा है किस तरीके से युवा काफ़ी खुश हैं। ब्रेवो फाउंडेशन वाले राकेश पांडे जी जो CMD हैं, उनके द्वारा सद्भावना यात्रा निकाली गई है चंपारण से वहाँ, और आप देख सकते हैं किस तरीके से राकेश पांडे जी हैं, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह है? देखिए उत्साह तो आप, मैं देख रहा हूँ आप उत्साह के मारे खुद आप प्रफुल्लित हैं और खूब खुश हैं, तो हम भी आपसे ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि देखिए लाल चौक पर रात में, लाल चौक पर रात में तिरंगा के साथ, इसका मतलब भारत बदल रहा है, कश्मीर बदल रहा है। किसको इसका श्रेय देंगे? श्रेय ऑफकोर्स हमारी सरकार को देंगे, जिस सरकार ने इसको किया है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी को देंगे, और यहाँ की जनता को देंगे जिन्होंने इसमें साथ दिया है। इतने युवा लेके पहुँच गए, लेकिन कोई डर भय? नहीं नहीं, कोई डर भय एक बात है, आप देखिए कितना बदल चुका है सब कुछ, और डरने की बात क्या है, आप अपने ही देश में घूम रहे हैं, आपका अपना ही देश है, आपके अपने ही लोग हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। काफ़ी उत्साह है, बहुत उत्साह है, और हम लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी चंपारण के वासियों का कि यहाँ तक आए, इतना कष्ट उठाया, कुछ लोग भूखे हैं लेकिन फिर भी चेहरे पे खुशी है, आप देख सकते हैं। और किस लिए खुशी है कि लाल चौक पर आज खड़े हैं रात को 8 बजे आप तिरंगा के साथ, रात के 8 बजे तिरंगा झंडे के साथ खड़े हैं, और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपने दिखाई किस तरीके से युवा उत्साहित हैं, राकेश पांडे जो ब्रेवो फाउंडेशन वाले हैं, काफ़ी उनके द्वारा सद्भावना यात्रा निकाली गई जो चंपारण से यहाँ पहुँचे हैं, और काफ़ी उत्साह है, श्रीनगर पहुँचे हैं, श्रीनगर में जो है वो झंडा फहरा रहे हैं, ऐसे में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कहाँ से हैं चंपारण? मोतिहारी से। काफ़ी खुश हैं? बहुत खुश हैं। रात में डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, तो डर नहीं है, और बदल गया है माहौल। ऐसे में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर बदल गया है, श्रीनगर में बिहार के युवा ही पहुंच गए हैं, झंडा फहरा रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।